हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती। से आरतीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो लॉलीपॉप। ये एक टी टाइम स्नैक्स है। इसके लिए मैंने 4 आलू उबालकर इसे मैश कर लिया है। अब इसमें सारे मसाले करेंगे। 2 हरी मिर्च काट कर रखी थी वो डाल देंगे। 2 टेबलस्पून प्याज डालेंगे। 2 टेबलस्पून कैरेट को मैंने कट करके रखा था वो भी डाल देंगे। 1/2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला और 1/4 टेबलस्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे। 4 टेबलस्पून हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे। 1/3 सा हरा धनिया डाल देंगे। 2 टेबलस्पून डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हाथ में ऑयल लगा लेना है और ऐसे बॉल्स बनाने हैं तो हाथ में चिपकेगा नहीं और बॉल्स अच्छे से बन जाएंगे। ऐसे सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। पोटैटो लॉलीपॉप को क्रिस्पी बनाने के लिए एक गोल तैयार करेंगे। इसके लिए लेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। 1 टेबलस्पून लेंगे मैदा। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। एक गोल तैयार कर लेना है। गोल तैयार हो गया है। ये हमारे ब्रेड क्रम्स है। अब हमने जो आलू का बॉल्स बनाया था वो इस गोल में डालेंगे और इसके ऊपर कोट कर देंगे। अब यही इस ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स चिपका देंगे। गोल गोल घुमाकर सारे बॉल्स के ऊपर ब्रेड क्रम्स चिपका लेना है और ऐसे दबाकर रख लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए। ऐसे सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। सारे बॉल्स को मैंने ब्रेड क्रम्स से कोट कर लिया है। हमने ऑयल भी गर्म करने के लिए रखा है और इसे फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है तब ऑयल में डालेंगे। नीचे से पक जाए उसके बाद में ही हमें इसे हिलाना है। हम इसे थोड़ा सा पलट लेंगे। हल्के हाथों से पलटना है इसे। इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना है। देखिए कितने अच्छे ब्राउन कलर के हो गए हैं। तब हम इसे निकाल लेंगे। हमारे पोटैटो लॉलीपॉप तैयार हो गए हैं। ऐसे सारी लॉलीपॉप बना लेंगे।